हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पे रोशनी जी TM टेक्निकल में। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे सामने ये बल्ब बिल्कुल बंद है, ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं हम आपको आपके सामने ये रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप बिना मल्टीमीटर के ही चेक कर सकते हैं घर पर ही दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये सोल्डिंग आयरन से ये हटा लेनी है, रंगा हटा लेना है दोस्तों हमें। अब हम इसको दोस्तों फटाफट खोल लेते हैं, देखते हैं हम दोस्तों इसमें क्या कमी निकलती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम इन दोनों तारों को सोल्डिंग आयरन से हटा लेते हैं दोस्तों। कस्टमर का ये कहना था ये बिल्कुल मतलब जलते जलते ही इसमें एकदम भटाका हुआ था, मतलब आवाज़ आई थी जैसे कि बम क्या फटता है हमारा ऊनी बम, और आग भी लगी थी इसमें शायद। तो हमने कहा कोई नहीं कस्टमर से, हमने कहा हो जाएगा रिपेयर। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम इसको हटा लेंगे, इस ड्राइवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसमें एक एक कंपोनेंट चेक करेंगे हम। हमारे रेजिस्टेंट तो दोनों ही ठीक हैं, ये बड़ा वाला भी कैपेसिटर सही है। ये हमारा एमओ भी, ये देख सकते हो हमारा एमओ भी हमारा जला पड़ा है, इसी में हमारे एमओ भी में आग लगी थी। तो चलिए दोस्तों हम इस सब भी को चेंज कर लेंगे। ये एमओ भी हमारा ख़राब हो चुका है, पूरी तरीके से फट गया है। चलिए हम काइया की मदद से एमओ भी को निकाल लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों हम नया एमओ भी इसमें कहाँ से लगाएं? तो दोस्तों ये भी एक एलईडी का ख़राब ड्राइवर होता है जो बिल्कुल डेड हो गया था दोस्तों। तो हमने उसमें से निकाल के इस तरह का एमओ भी हम हटा देंगे। ये देखो फटा पड़ा है। तो दूसरा एमओ भी हम दूसरे ड्राइवर से निकाल के, ये देखिए हमने दूसरे ड्राइवर से निकाल लिया है इसमें से। तो हम इसमें इसको लगा देते हैं जैसे हमने निकाला था। इसमें प्लस माइनस मतलब ये देख सकते हो आप, लिखा हुआ दिख रहा है बाहर, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ऊपरी साइड, ये हमें अंदर रखना है ऐसे इस तरीके से, ताकि इसमें प्लस माइनस भी होता है दोस्तों, कहीं दोबारा फॉल्ट नहीं हो जाए, बहुत ध्यान से करना है। चलिए दोस्तों हम इसको भी सोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। और आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। हमने ये एमओ भी चेंज कर दिया है, अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो चलिए फटाफट हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बल्ब में हम ये इसमें पहले जैसे ही मतलब लगा देंगे अच्छे तरीके से, और इसमें दोनों तारों को अंदर बाहर निकाल के हम इसमें सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों दोनों तार बाहर निकल चुके हैं, हम इसको मोड़ देंगे दोस्तों दोनों तारों को इस तरीके से ही, मतलब पहले हुआ था इस तरीके से ही हम अब करेंगे। तो हम इसको काया से दोनों तारों को सोल्ड कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये इस पे भी हम कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को थोड़ा हमने फास्ट कर दिया ताकि वीडियो हमारा लंबा नहीं हो। देखिए इस पे भी कर लेंगे हम, इस पे भी कर लेंगे, अब देख सकते हैं ये लो हमारा हो गया दोस्तों तैयार। अब हम इस पे MCPC भी लगा देंगे। तो दोस्तों हम इस पे MCPC भी लगाएंगे बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से MCPC भी लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम MCPC भी लगा देते हैं, इसमें भी प्लस माइनस होता है, ध्यान से लगाना है दोस्तों आपको भी।
एक माइनस एक प्लस वाले पे, प्लस वाला माइनस वाले पे, सॉरी मतलब माइनस का जो माइनस पे प्लस वाला प्लस पे। बहुत अच्छी तरीके से बहुत ध्यान के साथ में लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बल्ब की टेस्टिंग की बारी है। चल तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने रिपेयर किया है दोस्तों। अब है इसकी टेस्टिंग की बारी। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बल्ब अच्छी तरीके से जल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।